आज का जो यूथ है अखिलेश यादव से या प्रियंका गांधी से इन्फ्लुएंस हो सकता है? नहीं, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, इन्फ्लुएंस कोई नहीं हो सकता, मोदी जी जैसा कोई नहीं है। योगी सरकार ने यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम किया है। फर्स्ट टाइम वोटर तो किसको वोट करना चाहेंगे? बीजेपी को करेंगे। आप बताइए। मेरा वोट बीजेपी को ही है। आइए युवाओं से जानते हैं कि उनकी क्या राय है 10 मार्च को किसकी सरकार बनने वाली है और किसको पसंद करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है 10 फरवरी को किसको वोट बताएंगे आप, किसको वोट से जाएंगे? मैम, पहली तो बात यह है कि बीजेपी को वोट जाएगी जहां तक है चांस, क्योंकि एक तो योगी सरकार ने यहां पे क्राइम रेट बहुत कम किया है, ये सच है। हमने मुजफ्फरनगर के दंगे भी देख रखे हैं यहां पे, और उसके बाद सीए के टाइम पे भी हमने दंगे देखे थे यहां पे, पर जो कंट्रोलिंग लेवल थी उन दंगों की वो योगी सरकार में सबसे अच्छी थी। और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी, मैम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बहुत ख़राब थी पहले, सच चाहिए। हम जिस इलाके से आते थे पहले वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पर, अब हमें 18 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है पर डे। और उसके बाद मैम दो चार मुद्दे और हैं जिन पर वोट जाने चाहिए, उसमें एक तो यूथ को दिखता है राम मंदिर, वो ठीक है, लेकिन मैम इलेक्शन से मेरा ये मानना है कि धर्म को दूर रखना चाहिए, धर्म को हटा के इलेक्शन देना चाहिए बेसिक मुद्दों पर, जैसे महिलाओं का सुरक्षित रहना है यहाँ पर। पहले यहाँ पर रात के 8 बजे के बाद पाइप मार्केट के आसपास निकलना मुश्किल हो जाता था, पर आज सब नॉर्मली घूमते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेन तो मेरा यही मुद्दा है कि बीजेपी को इसलिए वोट देना चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? बीजेपी ने एक्चुअली क्राइम को तो काफ़ी कम किया है, ठीक है, एजुकेशन पे भी काम धीरे धीरे चल रहा है। लोग कहते हैं कि एजुकेशन पे काम अभी नहीं हो रहा अच्छे से, तो काम अभी एकदम से नहीं होगा, ठीक है, काम धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा उसके लिए। और दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं एजुकेशन से लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, फ़ायदे मिल रहे हैं लोगों को एजुकेशन के लिए, या लोन मिल रहा है, प्लस गरीबों के लिए आवास योजना निकाली, उनको घर भी मिला, तो काफ़ी काम इन्होंने करवाया है, जिससे लगता है कि हाँ वोट देना चाहिए, क्योंकि इनके टक्कर का कोई है नहीं यहाँ पे, तो बीजेपी को हम वोट जरूर देंगे। अखिलेश यादव और यह सपा बसपा जो पार्टीज हैं, विपक्ष जो भी है ऑपोजिशन, उनको क्या कहना चाहोगे? और लग रहा है कि आज का जो यूथ होगा वो इन्फ्लुएंस होगा उनसे, कि विपक्ष की जो ऑपोजिशन है उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, अखिलेश यादव से या प्रियंका गांधी से इन्फ्लुएंस हो सकता है आज का यूथ? नहीं, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, इन्फ्लुएंस कोई नहीं हो सकता, मोदी जी जैसा कोई नहीं है, तो उन्होंने काम करवाया है, आगे भी बहुत करवाएंगे, बाकी हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो मतलब हर लेवल के लोगों के साथ, हर लेवल के ना लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे वो वर्किंग पर्सन हो, लेबर हो या बिजनेस मैन हो, हर किसी के लिए मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है, तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, मतलब उनके टक्कर का कोई नहीं है, यही बात है सिंपल सी। आपकी एज क्या है? मेरी एज 19 है, मैं भी पीबी सेकंड ईयर में हूँ। तो अभी आप, आपका वोट होगा इस बार? वोटर आईडी कार्ड होगा मेरा, आ गया है बनके, मैं उनको ही वोट दूंगा। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोटर, तो फिर मतलब किसको वोट करना चाहेंगे? फर्स्ट वोट आपका किसको जाएगा? बीजेपी को करेंगे। आप बताइए। मैं अभी फर्स्ट टाइम वोटर ही हूँ और मेरा वोट बीजेपी को ही है, चाहे कोई भी पार्टी होती, मेरा वोट बीजेपी को जाना था। मैम यहाँ पे लोकल यहाँ के चैन लूटते थे चलते चलते, मैम मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, लेकिन अब उसके मुकाबले बहुत चीज़ें कम है, मेन यही मुद्दा देखना होता है। संतुष्ट हैं यहाँ के युवा, बोल रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है, जो सबसे बड़ा चीज़ हमें सुनने को मिल रही है सब लोगों से कि क्राइम रेट यूपी में कम हुआ है। तो देखने के लिए ओपिनियन पोल आगे भी देखते रहिए।